क्वेश्चंस आप लोगों को कराने जा रही हूँ जो एकेडमिक पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हैं कि आप कहीं टेस्ट देते हैं, कोई आप अटेम्प्ट मतलब करते हैं किसी चीज़ का क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ अक्सर ऐसे ही फिंगर टिप्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, उनको यहाँ पे एक साथ मैंने किया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालिदा, चचा और दादा का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन AMU के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आपको क्लास 6 की NCERT में इसका जवाब दिया हुआ है। तो पहला, वालिद का नाम हम लिखेंगे, पहला नाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, ठीक। फिर वालिदा, वालिद होते हैं फादर, वालिदा होती है मदर, चचा होते हैं अंकल और दादा होते हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, ठीक। तो वालिदा बीबी आमना, ठीक, चचा अबू तालिब और दादा अब्दुल मुत्तलिब। अक्सर जो कन्फ्यूजन बच्चों को होता है वो इन दोनों नामों में होता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक से दिखते हैं और एक से साउंड करते हैं। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब है, ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब, और चचा अबू तालिब हैं, ठीक। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि उर्दू में तो ये एक से ही लगते हैं, बट जब आप इन्हें इंग्लिश में लिखकर देखेंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा कि ये अब्दुल मुत्तलिब हैं दादा और ये अबू तालिब हैं, ठीक है, चचा। तो ये आपको बहुत याद रखना है सबके नाम, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक। अब्दुल्ला, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप चाहें तो नोट भी कर लें, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके कहाँ तशरीफ़ ले गए। चैप्टर आपने पढ़ रखा है, आपको मालूम है मदीना तशरीफ़ ले गए, ठीक, जो कि सऊदी अरब का ही एक दूसरा शहर है। जैसे मक्का एक शहर है, वैसे मदीना एक शहर है। तीसरा सवाल यह है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह तरह के लालच दिए गए, को तरह तरह के लालच, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के लालच दिए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो वो लाइन भी आपको याद होनी चाहिए कि चाहे मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चाँद रख दो और मुझसे कहो कि मैं मतलब अपना काम छोड़ दूं, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसके आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब की क्या हालत थी। तो यहाँ आप डिस्क्राइब करेंगे कि अरब की क्या हालत थी। अरब की हालत बहुत ख़राब थी, अरब के लोग जो हैं वो एक दूसरे से लड़ा करते थे, कबीले एक दूसरे को मार दिया करते थे, झगड़े जब तक चलते थे जब तक कि एक कबीला दूसरे कबीले को ख़त्म ना कर दे, और औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है, और लूट मार सरेआम हुआ करती थी। यही सब आपको इस आंसर में लिखना है चैप्टर से। और पांचवा सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक मज़मून लिखिए। यहाँ मैंने इनके आंसर्स इसलिए नहीं रखे हैं ताकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। मैंने आंसर्स आपको बता दिए हैं, इसको लिखने का प्रयास आप खुद करें, ठीक है, लिखने की कोशिश आप खुद करें। यहाँ आपको एक मज़मून लिखना है। मज़मून हम कहते हैं एस्से को, एस्से हम कहते हैं निबंध को, ठीक है। अगर आपने तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है। निबंध, एस्से और मज़मून का मतलब होता है किसी एक टॉपिक पर डिटेल में लिखना, ठीक है, एक पेज दो पेज आप जो भी लिख सकें लिखें। और अगर आप चाहें तो लिखने के बाद आपको आप एक नंबर पर शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं फिर एक वीडियो अलग से इसके लिए बनाऊं, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग सेक्शन का ये पार्ट है। तो आप अपना ऐसे लिख करके, ठीक है, यहाँ पर भेज दीजिएगा, ठीक है, फ़ोटो में यहाँ पर आप भेज दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज लिख दें, ठीक है। थैंक प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़।